संयुक्त कलेक्टर दांगी और भू अभिलेख अधिकारी चौहान समाज के दुश्मनों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए सड़क पर। इस समय कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरे भारत देश में तेजी से बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे समाज के दुश्मन हैं जो कोरोना वायरस को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए पूरे देश को एक होना होगा। लेकिन कुछ समाज के दुश्मन ऐसे बने हुए हैं जो शासन की गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे। ऐसे समाज के दुश्मनों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से सड़क पर दिखाई दे रही है। आज सुबह से संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र सिंह दांगी और भू अभिलेख अधिकारी प्रीति चौहान अपनी टीम के साथ नाना खेड़ा चौराहे पर समाज के दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर दिखाई दी गयी। कई समाज के दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई कर उन्हें 10 घंटे के लिए अस्थायी जेल में जमा भी कर दिया गया। बताइए किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है और क्या कार्रवाई की जा रही है? कोरोना के जो संक्रमण फैला है उसको देखते हुए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर मास्क बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, उनको चालानी कार्रवाई एवं अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि मास्क का उपयोग जरूर करें ताकि कोरोना से सभी की बचत हो सके। इनको कितनी देर रहना पड़ेगा? 8 से 10 घंटे।